नमस्कार, मैं शायरा कवित्री सुप्रिया सिंह वीणा गाजियाबाद से। मैं कल 11 फरवरी 2023 को गालिब एकेडमी गई थी नशिस्त में, गालिब एकेडमी की नशिस्त में। वहाँ मेरी मुलाकात कनाडा से आए एक प्रसिद्ध डॉक्टर, डॉक्टर बिलाल सर से हुई। बहुत ही अच्छे इंसान हैं। वहाँ मुझे जानकारी मिली कि वो फेस रीडिंग के द्वारा इलाज करते हैं, तो मैं बहुत आश्चर्य में पड़ी और मैंने उनका नंबर भी लिया। हमारे साथ ही बैठे हुए थे मंच पे और उनसे रिक्वेस्ट की कि सर कृपया आप मेरे बारे में भी कुछ बताएं। तो आज उन्होंने मेरा 1 मिनट का वीडियो मंगवाया था और मैं आश्चर्यचकित हूँ कि उन्होंने सारी बातें वही बताई जो हमारी बीमारी थी, लक्षण थे, सारी बातें बताई। मैं बहुत हैरत में पड़ी और उन्होंने न केवल मेरी बीमारी के बारे में बताया बल्कि उसका इलाज, उसका परहेज क्या हो सकता है, सारी चीज़ों की मुझे जानकारी दी और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और मैं ये सोचती हूँ कि ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा है कि ऐसे ऐसे इंसान को हमारे बीच भेजा है ताकि वो हमारी सहायता कर सके। और सही में ये प्रतिभा कोई आम प्रतिभा नहीं है, बिल्कुल विलक्षण प्रतिभा है और ईश्वर ने इसीलिए भेजा है कि वो हमारी मतलब पहले से हमें आगाह कर सकें कि हमें क्या हो सकता है, हम कैसे परहेज करें अपना। तो मैं बहुत आभारी हूँ सर की, बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनका सानिध्य मुझे मिला और मैं उनसे लाभान्वित हुई। और आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं कृपया उनसे संपर्क करें और आने वाली मुसीबतों से अपने आप को बचाएं। मैं तो यही आग्रह करूँगी। और इंसानियत जिंदा है अभी ज़मीन पर, इसको मानना पड़ेगा। बिलाल सर से मिलने के बाद मेरा ये विचार जो है पुख्ता हो गया, एकदम मजबूत हो गया कि हाँ, इंसानियत तो जिंदा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।